हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू कुकिंग क्लास। नवरात्रे चल रहे हैं, सब लोगों के व्रत हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नई क्लास लेके आई जाए जिससे आपके व्रत इंटरेस्टिंग हो जाए। कुछ ऐसी रेसिपीज जो कि इजी है, हेल्दी है और टेस्टी है। तो ये सारी हमारी नवरात्रे स्पेशल व्रत रेसिपीज हैं। व्रत में जो चीजें हम खा सकते हैं, जो स्पाइसेस, जो भी चीजें ले सकते हैं, उन्हीं के साथ ये सारी प्रिपरेशन हमने करी है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ हमने क्या क्या बनाया है। सबसे पहले हमने ये बनाया है फलियारी मिक्स फ्रूट रायता। ये हमने फलियारी मिक्स फ्रूट रायता बनाया है जो कि बहुत अच्छा जाता है ये हमारा महाराष्ट्रियन व्रत पुलाव के साथ। ये समक राइस का, जो समा के चावल जो हम खाते हैं व्रत में, उसका पुलाव है जिसे हमने थोड़ा सा साउथ इंडियन ट्विस्ट दिया हुआ है। उसके बाद ये बहुत ही पॉपुलर हमारा है मसाला कुट्टू का पराठा। ये सिर्फ नॉर्मल कुट्टू का पराठा नहीं, आपको अंदर दिख के लग रहा होगा इसमें पालक आलू वगैरह हमने डाला है। बहुत ही टेस्टी, किस तरीके से प्रॉपर कुट्टू का पराठा आप बना सकते हो वो सारी टेक्निक क्लास में कवर करी है। उसके बाद ये है हमारा फलियारी मखाना कबाब। ये मखाने के साथ आलू पनीर कुछ और इंग्रेडिएंट्स जो हम व्रत में जो आटे यूज करते हैं उसके साथ हमने ये बनाया है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। इसमें हमने रामदाना वगैरह भी ऐड करा है। देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। फिर हमने बनाया है ये केले के कबाब। ये हमारे कच्चे केले के कबाब हैं जो हमने लॉलीपॉप स्टिक्स में बनाए हुए हैं। ये भी बहुत टेस्टी हमारे केले के कबाब बनते हैं। उसके साथ हमने ये दो तरीके की चटनी बनाना सिखाई है। ये फलियारी चटनी है दोनों ही। उसके बाद हमने ये जो बनाया है, ये बनाया है आलू पनीर पैटी। ये ऊपर से कोटिंग हमारी आलू की और अंदर पनीर और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। तो टेम्पटिंग खाना भी हम व्रत में बना के आराम से खा सकते हैं। उसके बाद हमने बनाया है मेन कोर्स में ग्रेवी। ये है हमारी मलाई ग्रेवी, जिससे हमने ये फलियारी मलाई ग्रेवी है जिससे हमने बनाया है मलाई पनीर। और हमने बनाया है ये लौकी के कोफ्ते की करी, ये दूधी कोफ्ता करी है। और दूसरी ग्रेवी जो हमने बनाई है वो बनाई है रेड ग्रेवी। अगेन ये भी फलियारी मखनी ग्रेवी है जिसमें हमने बनाया है कोफ्ता करी और बनाया है पनीर टिक्का बटर मसाला। पनीर टिक्का हम लोग व्रत में किस तरीके से प्रॉपर बना सकते हैं वो भी हमने इसमें बताया है। ये तो हो गई सारी स्टार्टर्स और मेन कोर्स की बात। अब कोई भी व्रत बिना डेजर्ट के तो कंप्लीट नहीं होता, तो ये तीनों हमारे हेल्दी डेजर्ट्स हमने बनाए हैं। मैं पास से दिखाती हूँ। ये है हमारी छेना बर्फी। छेना भी हमने क्लास में प्रॉपरली बनाना सिखाया है। ये है हमारी खजूर ड्राई फ्रूट्स की बर्फी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी ये हमारी बर्फी होती है। और ये हमने बनाया है सबका फेवरेट डबल कलर में कलाकंद। ये देखिए कलाकंद बनाया है, इसमें रोज फ्लेवर और पिस्ता फ्लेवर हमने दिया है, तो ये मैंने कलाकंद बनाया है। तो ये सारी 14 रेसिपीज हमने दो दिन की जूम लाइव क्लास में कवर करी है। अगर आपकी ये क्लास निकल गई है और आपको लगता है कि आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके एनरोल करिए, ये क्लास हमसे ले लीजिए। इस क्लास के लिए जैसे ही आप एनरोल करेंगे आपको डिटेल्ड पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा जो आपके पास एक साल तक रहेगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एनी टाइम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। सो रेसिपीज ट्राई करिए। नवरात्रे की कुछ फ्री रेसिपीज हमारे YouTube चैनल पे भी हैं, वो भी देखिए, है ना। और हम लोग को रेसिपीज की फोटो भेजते रहिए आप लोग, जो हम अपने अपने YouTube वगैरह पे अपलोड करते हैं। इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।